श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। में आप सबकी बहन आरती घोसी, आरती घोसी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं। शुरुआत है ये तो आप लोग ऐसी खुशी देते रहेंगे। आप सबकी वजह से हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सपोर्ट किया, अपनी बहन को इतना प्यार दिया, ऐसे ही आगे अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। इतना आप सब इतना सपोर्ट करें कि हमारा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए और आप सब समझ रहे हो हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। मेहनत कर रहे हैं और हम ऐसे ही करते रहेंगे, आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट बनाए रखें। चलो अब हम देते हैं ये मैं बिटिया में परेशान करना, वीडियो नहीं बनाने देते सुबह से, कब से परेशान ठंडा निकल गई, गर्मी लग गई है, अब निकलाने वो पहनने हाथ में बताओ, सॉक्स पहनने को, टोपा लगाने पछू, स्वेटर पहनने, गर्मियों में सब शुरुआत हो रही है रात में। चलो वीडियो बढ़ रहा है आगे। आप लोग सोच रहे हो अपने घर की बात में बताइए, गुरुजी के बारे में बताओ, गुरुजी के बारे में का बताएं भैया, हम का बताएं, हम खुद सुन के बहुत परेशान है। आप सब भी परेशान हो रहे हुई हो कि आज ऐसी का बात है। आज हम बता रहे हैं कि बात का है, बात ये है कि बागेश्वर धाम में इस कदर की भीड़ है कि गुरुजी ने मतलब पहले से ही इतनी व्यवस्था की थी, करोड़ों की भीड़ है वहां पे, तो पहले से ही भव्य तैयारियां थी, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ गुरुजी ने खुद नहीं सोचा था और ना हम लोगों ने सोचा था। कम से कम कई करोड़ लोग हैं, मतलब 1 करोड़ भैया 1000 लोग पहुंच जाते तो बहुत ज्यादा हो जाती है, पर लाखों में लोग, करोड़ों में लोग हैं, और खास करके दिव्य दरबार लग रहा है वो भी बिना टोकन का, तो लोगों की भीड़, मतलब लोग सो नहीं रहे, अपना नंबर का इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं लोग पंडाल में, इतना भव्य आयोजन हो रहा है भैया। हम तो सोच सोच के परेशान, मतलब हम सोच रहे कि काश हम भी जा सकते, काश हम भी पहुंच गए होंगे इतना भव्य आयोजन देखने के लिए, लेकिन क्या करें, कभी होगा किस्मत में तो देखेंगे। इन्हीं की वजह से नहीं गए, कितनी भीड़ में इनको कैसे संभालेंगे, इनकी वजह से नहीं गए। अगर आप सब गए होगे तो हमें बता देना। पता है अभी न्यूज में हम देख रहे थे, शायद आप लोगों ने देखी होगी, वो नहीं देखी होगी तो हमारा वीडियो बना ही रहे हैं आप सबके लिए, तो इतने मतलब छोटे बच्चे नहीं दिखे हैं ज्यादातर, क्योंकि मतलब बच्चों को ले जाना तो अच्छा नहीं रहता, भीड़ भाड़ में बच्चे छूट जाते हैं, गुम जाते हैं, क्यों परेशानी अपने हाथ मोल लें, और बालाजी की कृपा से ऐसा होता भी तो नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो मतलब बूढ़ी माताएं थी, भाई थे, बहुत मतलब बहुत सारे लोग थे, उनसे रिपोर्टर लोग बात कर रहे थे, हाँ जी हाँ न्यूज चैनल वाले बात कर रहे थे कि क्यों बैठे हो आप लोग इसे इतनी गड़गड़ाते कि ठंड में, अभी भी ठंड हो रही है, गर्मी लग गई लेकिन फिर भी अभी तक अभी भी बहुत ठंड हो रही है, आप सबको तो पता ही होगा, लेकिन लोग बैठे थे और क्या बोल रहे कि उन माता जी से, किसी माता जी से पूछा एक भाई ने कि आप माता जी क्यों बैठे हो कि यहाँ इतनी ठंड में, तो बोल रही है माता जी अभी दिव्य दरबार लगेगा 2 दिन का, तो हम उसके लिए बैठे हैं, अभी तो हम 20 तारीख तक रहेंगे और 12 तारीख से वो पहुंच चुकी थी, जबकि 13 तारीख से रामकथा स्टार्ट हुई है, महायज्ञ 13 तारीख से प्रारंभ हुआ है, लेकिन कुछ माताएं, बहनें, भाई बंधु सब 10 तारीख से, कोई 5 तारीख से वहीं पर है, अभी वहीं रुकेंगे, और बोल रहे थे हम 22-23 तारीख तक यहीं रुकेंगे बागेश्वर धाम में। भैया ये है हमारे सनातन धर्म, ये होता है सनातन, कोई और धर्म में तो होता नहीं है भैया, हमारे सनातनी धर्म में ऐसा होता है कि जो सब काम नाम छोड़ छाड़ के, मोह माया त्याग के सिर्फ बालाजी के चरणों में डले हैं। अब बताओ बालाजी देख रहे होंगे उनका घर का काम है कि नहीं। चलो भाई जो जो गया हो तो हमें बता देना भैया, हम तो जा नहीं पाए हैं, अब देखेंगे कभी किस्मत में होगा बालाजी जब बुलाएंगे, कहते हैं ऐसे बिना बुलाए थोड़ी कहीं वो बात जाना हो पाता है ना। चलो वीडियो को करते हैं समाप्त, वीडियो को कर देना जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सबकी मेहरबानी से, 1000 सब्सक्राइबर हो गए हमारे, 1000 भाई बंधु हमारी बहनें, 1000 की फैमिली कम्प्लीट हो चुकी है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बहन का वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, तो आप सबके बहुत सारे हमारे
भाई बहन सब बहुत ज्यादा फैमिली हो जाएगी अपनी, है कि नहीं। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भाई श्री राम। भाई बेटी रानी को नींद आ रही है ना, बाय बोल दो, जय श्री राम बोल दो।